हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निर्मित गुप्ता। वेलकम टू संतलो क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन IHRM एंड डोमेस्टिक HRM। बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रॉस कल्चर में जनरली पूछा जाता है आपसे, शॉर्ट नोट्स में भी या फिर डायरेक्ट डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बहुत ध्यान से समझें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, IHRM addresses a broad range of HRM activities. International Human Resource Management में HRM की बहुत ज़्यादा broad range of HRM activities होती हैं, while domestic HRM addresses a narrow range of HRM activities. जबकि जो domestic HRM होता है उसके अंदर narrow range of HRM activities होती हैं, पहला point। दूसरा, इन IHRM greater involvement of HR manager in the personal life of the employees. IHRM में बहुत ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे HR मैनेजर का इन द पर्सनल लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज़, जबकि जो डोमेस्टिक HRM होता है उसमें लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होता है HR मैनेजर का इन द पर्सनल लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज़। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, ग्रेटर एक्सपोजर टू रिस्क इन इंटरनेशनल असाइनमेंट इन IHRM के IHRM के केस में हमारे पास जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन इंटरनेशनल असाइनमेंट्स में, वाइल लिमिटेड रिस्क इन डोमेस्टिक असाइनमेंट। जबकि जो डोमेस्टिक HRM होता है उसमें हमारे पास लिमिटेड रिस्क होता है इन डोमेस्टिक असाइनमेंट्स में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है दैट HR मैनेजर हैज़ टू मैनेज सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज इन IHRM। जो IHRM होता है उसमें हमारा जो HR मैनेजर होता है उसको बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गई, वहाँ के लेबर लॉज हो गए, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, उन सबको बहुत कीनली ऑब्जर्व करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करना पड़ता है। जबकि वाइल लिमिटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स टू डील विद इन डोमेस्टिक HRM, जबकि डोमेस्टिक HRM के केस में हमारा जो HR मैनेजर होता है उसको इतने ज़्यादा फैक्टर्स कंसिडर नहीं करने पड़ते, लिमिटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ डील करना होता है। क्लियर है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, कीप लर्निंग। थैंक यू।